11, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने रेमेडी पैक का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ फ्लो चार्ट शो एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। लेवल 9 में आप लोगों ने डिटेल में फ्लो चार्ट्स पढ़े थे। इसमें हमने प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, एग्जीक्यूशन का फ्लो चार्ट बनाने के किस तरह से हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए, अगर हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम राइट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसके लिए कोई इनपुट नहीं देनी, कुछ हमने कैलकुलेट नहीं करवाना, सिंपल हमने स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने आउटपुट में शो करवा देना हेलो वर्ल्ड, तो उसके बाद हमने एंड टर्मिनल यूज़ कर देना है। अब फॉर एग्जांपल, दूसरा मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करना है जो एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे इनपुट में हमने दो वैल्यूज़ देनी है। दो वैल्यूज में सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल का नेम दे दिया है नम वन और एक वेरिएबल को नेम दे दिया है नम टू। अब देखिए, देन हमारे पास प्रोसेस का सिंबल आ गया। प्रोसेस में हमने क्या किया, फॉर्मूला ऐड किया जिससे नम वन और नम टू की वैल्यू ऐड होकर स्टोर हो जाएगी सम में, और देन प्रिंट में हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट पहले एक प्रोग्राम सेट करने हैं, देन आपने उसके फ्लो चार्ट बनाने हैं। अब देखें, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब देखिए, कंप्यूटर की बुक में पेज नंबर 6 से 7 में ये डिटेल में आपके पास दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हमारे पास बेसिकली 3 इसकी मेन टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। पहले हमने जब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट किया, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम कंप्यूटर का जब प्रोग्राम सी लैंग्वेज में राइट करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ऐड करनी होती है। हेडर फाइल्स हमारे पास क्या होती है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हमें उनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, हमने क्या करना है, उनको हमने अपनी यूज़ के लिए हम उसको क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, इस तरह से हमने हेडर फाइल्स को ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन हमारे लिए मस्ट है ऐड करवाना। इसके अंदर हमारा ओवरऑल बॉडी, जो हमने कोड एग्जीक्यूट करना है, वो हम मेन के ब्रेसिस के अंदर ऐड करेंगे, और बॉडी में हमारे पास ओवरऑल सारा कर्ली ब्रेसिस में कोड आएगा जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ एग्जाम्पल में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, तो उन्होंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल दी हुई है। तो इस तरह से आपने इन डिटेल ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, गो थ्रू सारा ओवरऑल करके आना है। पूरे चैप्टर को पहले रीड करें, देन आप उसके एमसीक्यूज सॉल्व करें, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस करें, खुद प्रोग्राम्स राइट करें एंड उसके फ्लो चार्ट्स बनाएं, और इन डिटेल आप ये ओवरऑल चैप्टर रीड करें। थैंक यू।